हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टर अंकित गुप्ता के बारे में। मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाले अंकित आज टीवी के बड़े और फेमस एक्टर हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने में उन्होंने बहुत मेहनत और संघर्ष किया है। दोस्तों, क्या आपको उनकी एक्स गर्लफ्रेंड और दिल टूटने के बारे में पता है? क्या आपको उनकी और प्रियंका के रिश्ते की सारी सच्चाई पता है? क्या आपको उनकी लाइफ जर्नी और नेटवर्थ पता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम अंकित के बारे में ये सब तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुरू से। अंकित गुप्ता का जन्म 6 नवंबर 1988 को मेरठ उत्तर प्रदेश की एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली में हुआ। मेरठ के ही एक प्राइवेट स्कूल से अंकित ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की और मेरठ से ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की। अंकित स्कूलिंग के दौरान जब 8th क्लास में थे, तब उन्होंने अपने स्कूल की एक इवेंट में एक एक्ट परफॉर्म किया था। अंकित के उस एक्ट की बहुत तारीफ हुई, इसी वजह से अंकित का इंटरेस्ट एक्टिंग में बढ़ने लगा और फिर वो हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने लगे। अंकित ने फिर तय कर लिया कि उन्हें एक्टर ही बनना है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपनी पढ़ाई को पूरी करना बेहतर समझा। मेरठ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अंकित पहले नोएडा गए। कुछ टाइम नोएडा में बिताने के बाद वो चल दिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए सपनों के शहर मुंबई। अंकित मुंबई जाकर काम ढूंढने लगे और ऑडिशंस देने लगे। अंकित लंबे समय तक ऑडिशन देते रहे, जिस दौरान उन्हें कुछ एडवर्टाइजमेंट में काम करने का मौका तो मिला, पर कोई अच्छे प्रोजेक्ट में रोल नहीं मिल रहा था। साल 2011 में एक लंबी कतार में खड़े होकर अंकित ने बालिका वधु शो में एक साइड रोल के लिए ऑडिशन दिया था और वहां उनका सिलेक्शन हो गया। अंकित ने बालिका वधु टीवी शो में डॉक्टर अभिषेक का रोल प्ले किया। उनका वो किरदार अंकित के रियल लाइफ नेचर से काफ़ी मिलता जुलता था। एक इंटरव्यू में अंकित ने अपने शुरुआती दिनों के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताया कि बालिका वधु शो के दौरान अंकित को सेट पर काफ़ी इंसल्ट फील होता था, उनसे कोई भी ठीक से बात नहीं करता था और 15 मिनट के शूट के लिए मेकर्स अंकित को सुबह से शाम तक बैठाए रखते थे, क्योंकि अंकित तब बिल्कुल नए थे और काम की ज़रूरत थी, इसीलिए वो ये सब बर्दाश्त करते रहे और एक्टिंग में अपना 100% देते रहे। इसके बाद साल 2012 में अंकित को एक मूवी टूटिया दिल में काम करने का मौका मिला। लगभग 1.5 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 5 लाख रुपए ही कमाए। इससे आप समझ सकते हैं मूवी कितनी बड़ी फ्लॉप रही होगी। मूवी को किसी ने नहीं देखा और इसी वजह से अंकित जहां के तहां ही थे। साल 2013 में अंकित को एक और मूवी में काम करने का मौका मिला। ये मूवी थी ओए जस्सी। इस मूवी में अंकित का रोल भी छोटा था और मूवी भी फ्लॉप रही, इसीलिए यहां से भी अंकित को कोई फायदा नहीं हुआ। यहां तक तो अंकित मुंबई में धक्के ही खा रहे थे, लेकिन साल 2014 में उनको एक ऐसा टीवी शो मिला जिसने उन्हें काफ़ी पहचान दिलाई। ये शो था सड्डा हक। इस शो में अंकित ने पार्थ कश्यप नाम का रोल प्ले किया था, जो मैकेनिकल इंजीनियर था। उस टाइम ये शो यंग जनरेशन में काफ़ी फेमस हुआ था, इस वजह से काफ़ी लोग अंकित को जानने लगे। इस शो में अंकित ने लगभग 2 साल तक काम किया। इस शो के बाद अंकित को साल 2016 में बेगूसराय सीरियल में गर्व ठाकुर का साइड रोल मिला। हालांकि बेगूसराय में भी अंकित का ये साइड रोल ज़्यादा समय तक नहीं चला था। साल 2017 में भी अंकित को एक टीवी शो में साइड रोल करने को मिला। ये शो था कुछ रंग प्यार के, जिसमें अंकित ने जतिन नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। साल 2018 में अंकित ने मायावी मलिंग शो में साइड पर महत्वपूर्ण रोल किया था। साल 2020 में अंकित को एक और टीवी शो में सपोर्टिंग रोल में देखा गया। ये शो था कुंडली भाग्य। साल 2020 तक अंकित को इंडस्ट्री में 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें वो सफलता नहीं मिली थी जो अंकित जैसा टैलेंटेड एक्टर डिजर्व करता है। अंकित को साल 2021 में कलर्स टीवी शो उड़ारियां के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन
उन्होंने ये शो करने से मना कर दिया। अंकित ने एक बार नहीं तीन बार इसमें काम करने से मना किया था, लेकिन आखिरकार मेकर्स ने उड़ारियां शो के लिए अंकित को मना ही लिया। अंकित ने इस शो में फतेह नाम का लीड कैरेक्टर प्ले किया है। उड़ारियां शो का मेन कैरेक्टर फतेह एक नॉटी और रोमांटिक टाइप का है, लेकिन अंकित रियल लाइफ में इससे बिल्कुल अलग हैं। इसीलिए अंकित के लिए ये रोल करना बड़ा चैलेंज था, पर अंकित ने पूरी शिद्दत के साथ ये रोल प्ले किया। अंकित को इस रोल में बहुत पसंद किया गया और इसीलिए कुछ ही टाइम में वो स्टार टीवी एक्टर बन गए। इस शो में फीमेल लीड में रही प्रियंका चाहर चौधरी, और यहाँ से अंकित और प्रियंका की दोस्ती की शुरुआत हुई। अंकित किसी के साथ जल्दी क्लोज नहीं होते, इसीलिए काफी टाइम तक ये दोनों बस हेलो हाय वाले ही दोस्त रहे। लेकिन टाइम बीतता गया और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। फिर वो दोनों शूटिंग के अलावा भी कई बार एक दूसरे के साथ देखे गए, जिस वजह से ये खबरें वायरल हुई कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर उन दोनों ने सबको यही बताया कि उनका रिश्ता दोस्ती का ही है। हालांकि इनकी बात पर लोगों ने कम ही यकीन किया। फिर कुछ टाइम बाद खबरें ये आईं कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि वो दोनों साथ में दिखना बंद हो गए। फिर साल 2022 में दोनों को बिग बॉस के घर में इनवाइट किया गया। बिग बॉस के घर में एक एपिसोड में प्रियंका ने बताया कि वो अंकित को चाहती हैं, पर उनका प्यार वन साइडेड ही है। शुरू में लगा था कि प्रियंका का प्यार वन साइडेड ही है, लेकिन फिर अंकित ने भी प्रियंका के लिए अपनी फीलिंग्स दिखाकर ये जता दिया कि प्रियंका का प्यार वन साइडेड नहीं है। फैंस प्रियंका और अंकित की जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए फैंस ने दोनों की जोड़ी को हैशटैग दिया प्रियंकित। दोस्तों, अंकित ने एक बार ये भी बोला था कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। दरअसल हुआ ये था कि अपने करियर के शुरुआत में ही अंकित एक एक्ट्रेस सनाया खान के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे। वो सनाया को लेकर काफ़ी सीरियस थे और शादी तक की प्लानिंग कर ली थी। उन्होंने सनाया को अपनी लवर के तौर पर मीडिया से भी इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन सनाया ने अंकित का साथ छोड़ दिया। तब उनका दिल ऐसा टूटा कि उनका शादी और प्यार से विश्वास ही उठ गया। अब देखना ये होगा अंकित और प्रियंका का प्यार क्या शादी तक पहुंच पाएगा। चलिए दोस्तों, अंकित गुप्ता के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। अंकित ने कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है, साथ ही उन्होंने कुछ वेब सीरीज इलीगल जस्टिस, बेकाबू 2 और मैं हीरो बोल रहा हूँ में भी काम किया है। अंकित एक प्राइवेट पर्सन हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना ही पसंद करते हैं। वो नेचर लवर, बुक लवर और म्यूजिक लवर भी हैं। बात करें अंकित की हाइट की, तो उनकी हाइट 5 फीट 10 इंच और बॉडी वेट लगभग 72 kg है। अंकित सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज करना पसंद करते हैं और उन्हें रील वीडियो बनाना भी पसंद है। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी अंकित गुप्ता की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।